व्हाट्स अप गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग बहुत अच्छा होने वाला है क्योंकि मेरा फर्स्ट डे होगा एंडो में, और हमारे जो शायद पेशेंट अगर मिल गया तो पेशेंट भी इनरोल करना शुरू कर देंगे आज से ही। सबसे इम्पोर्टेंट चीज की आज हम सबको बुलाया है 2 बजे, प्रिंसिपल से मीटिंग है हमारी आज। मतलब ऐसा फर्स्ट टाइम हो रहा है कि ऐसा मीटिंग टाइप कुछ हो रहा है हमारे कॉलेज में, तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा। और सुनने में आया है कि हमारे कॉलेज में शायद इस साल फार्मडी का प्लेसमेंट भी होगा, तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। उसके बारे में भी मैं पता करूंगा और कुछ पता चलेगा तो बताऊंगा आप लोगों को। अभी तक इतना बात, मतलब मेरे को पता चला है वो यही पता चला है कि जो इंटर्न है उनसे सीवी मांगा गया है उनका, क्योंकि कोई ना कोई कंपनीज वगैरह आ रही होंगी या फिर कोई हॉस्पिटल, जो भी है आई डोंट नो अबाउट सो मच डैट। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि कल व्लॉग क्यों नहीं आया, तो उसके पीछे का रीजन है। सो कल बेसिकली क्या हुआ था, मेरी जो ये कमर है वो पूरी अटक के ऐसे आ गई थी, तो जो ये वाला पार्ट था मेरा पूरा, ये हल्का सा ऐसे ट्विल्ट होकर इधर को आ गया था और मेरे पे कल बिल्कुल भी चला नहीं। और ये सब हुआ क्यों, क्योंकि मैं कल मेरे को मार्कशीट मिली थी तो मैंने मार्कशीट को उठाकर सोचा कि नीचे रख दूं, मेरे रूम में कोई अलमारी नहीं है तो सब सामान बेड के जो नीचे है वो वहीं पे रखा जाता है, तो मैं वहीं रखने के लिए गया था। और जैसे ही मैं झुका वैसी एक आवाज आई और मैं फिर झुका ही रह गया थोड़ी देर तक। तो उसके बाद मतलब पूरी रात नहीं सो पाया मैं, इतना कुछ हॉट बैग वगैरह सब कुछ लगाया, इतना योगा करने की कोशिश की कि थोड़ा बहुत ठीक हो जाए, चटक जाए, बट नहीं हुआ। तो शाम को 4 बजे मैं उठा एकदम से, मेरे को बहुत प्यास लग रही थी तो कोई था भी नहीं, तो मैं फटाफट से उठा कि पानी लेता हूँ, और उसी में एक चटक की आवाज फिर से आई और उसके बाद से जो है वो चीजें मेरी ठीक होनी शुरू हो गई पीठ की, वरना जो मेरे को प्रॉब्लम हुई थी ना वो बहुत ज्यादा हुई थी। तो चलते हैं अभी कॉलेज, सो लेट्स स्टार्ट द व्लॉग गाइस। तो आज हम हो गए थोड़े से लेट, तो अभी हम सीधा तो अभी हम सीधा जा रहे हैं हॉस्पिटल वहाँ पे। ओ कुछ एक सेकंड, मैंने फाइल तो ली नहीं जो साइंस से साइन करवानी है, मैं रोज कुछ ना कुछ चीजें भूल ही जाता हूँ। तो नीलेश अपना फाइल यहीं भूल गया और अभी हम जाते फिर वापस आते हैं, बट थैंक्स टू गॉड की अगर सर मिल जाते तो फाइल नहीं होती, फाइल मिल जाते सर नहीं होते। और 3 दिन से हमारी पोस्टिंग लग चुकी है बट अभी आज लेटर साइन नहीं हो पाया, बट आज होगा या नहीं होगा देखते हैं, भगवान के हाथ में है। हाँ, बट हम जाके अपना काम तो स्टार्ट कर देंगे। एंड हैप्पी नवरात्रि टू ऑल, 6th डे है और हम लोग सुबह से सोच रहे हैं कि आज मीटिंग में क्या होगा। तो मतलब बहुत ज्यादा ही मैं कुछ अच्छा हो भगवान, एक तो पहली बार मीटिंग हो रही है जब से मैं आई तब से पहली बार प्रिंसिपल सर मीटिंग हो रही है, लग रहा है कि कुछ हो रहा है मतलब अब तो। और अभी सीनियर्स का भी सुनने में आया कि उनसे सीवी वगैरह मांगा गया है, सो वी आर सो एक्साइटेड कि क्या हमारे तक आते जाते चीजें चेंज हो जाएंगी। गाइस कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा ही फार्मडी के लिए, कुछ ना कुछ तो मतलब होगा, ऐसा नहीं है कि पहले से इसका लेवल बहुत ऊपर आ चुका है और आगे भी ऊपर उठता जाएगा। अब जब कोर्स आया है तो कुछ ना कुछ तो सोच के ही लाया होगा यहाँ पे, ऐसा तो नहीं कि बस ले आ दिए फार्मडी और फार्मडी कोई स्कोप नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है नहीं बहुत सारी चीजें हैं। हाँ ये बात है कि हम उन सब चीजों से अनजान है, हमको पता नहीं है, अनजाने हैं हम, तो अभी चलते फटाफट से क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत लेट टू अवर न्यू वार्ड। अभी तक तो सर मिले नहीं है बट होप तो सर मिल जाए हमें बहुत जल्द। आज तक डॉक्टर का नाम पता लग जाएगा किसके अंडर है तो जाके हम इंटरेक्ट कर लेंगे। सही बात है, तो ये बहुत एक्साइटेड है काम करने के लिए। आज पहले दिन सारी फाइलें पढ़ देगी पांडे, सारे पेशेंट को काउंसिल करके आएगी पांडे। आज पेशेंट काउंसलिंग का पेमेंट लेगी प्रज्ञा, ऑफ कोर्स एज अ फार्मेसिस्ट आई चार्ज फॉर ईच एवरी पेशेंट काउंसलिंग। सो गाइज वी आर बैक फ्रॉम हॉस्पिटल और हमको वहाँ सर तो नहीं मिले बट देखते हैं कहाँ मिलते हैं। और आज हमने थोड़ा बहुत काम करा, केसेस देखे, डेंगू मलेरिया ये सब, क्योंकि अभी यही सीजन चल रहा है तो जनरल मेडिसिन में यही सारे केसेस रहते हैं, तो हमने ये काम करा, फिर कुछ बातें भी करी, पुराने दोस्त भी मिले हॉस्पिटल में, तो मज़ा आया ओवरऑल। और डेंगू बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है गाइज, तो अपने आस पास कहीं भी पानी इकट्ठा मत होने दें आप लोग, ठीक है। मतलब आप खुद ही चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं अपने थोड़ा सा अवेयरनेस के साथ ही, क्योंकि पानी सबसे ज्यादा जो होता है ना, पानी ऐसे पड़ा रहता है तो उसमें ही मच्छर आके अंडे दे देता है और वहीं से मलेरिया का जो मच्छर है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। अवेयरनेस से याद आया कि मैंने फर्स्ट ईयर में डेंगू अवेयरनेस पे प्रोग्राम किया था नुक्कड़ नाटक फार्मेसी डे में। अभी हमारा वार्ड राउंड, हमें केस भी मिला आज और
हम उसको बहुत जल्द ले लेंगे। नए नए ड्रग्स भी मिले तो उससे भी हम जल्द से शॉर्ट्स बनाएंगे। अभी थोड़ा ना काम ज्यादा हो गया था, मतलब अभी थोड़ा बैक में प्रॉब्लम हो गई थी, अभी भी थोड़ी प्रॉब्लम है बैक में, तो उस चक्कर में, और दूसरा फिर हमको एग्जाम भी देना था। अभी आने वाले, मतलब ये सारा एग्जाम रिसर्च तो ऑनगोइंग प्रोसेस है, चलते रहेगा पूरे साल भर, बट एग्जाम खत्म हो गया और अभी थोड़े कम टेंशन है हमारे पास, टेंशन फ्री है हम। तो अभी इस आने वाले वीक में बहुत सारे वीडियोज आने वाले हैं और इसके बाद भी कंटिन्यू रहेंगे। सो इसके लिए आप सब चैनल को सब्सक्राइब करते रहो, हमारे साथ जुड़े रहो और क्या कहते हैं, कम्युनिटी पोस्ट को देखा करो, लाइक किया करो, आपको पता चल जाएगा कि क्या कर रहे हैं हम लोग। तो एडिटिंग करने का टाइम हमको मिल नहीं पा रहा था बिल्कुल भी, क्योंकि कुछ ना कुछ काम आ रहा था, बट अब से हमारे 2-3 वीडियोस पड़े हुए हैं पेंडिंग में, अब से हम लोग ने सोच लिया कि कैसे करना है क्या करना है, थोड़ा टाइम मैनेज करने में थोड़ा टाइम लगता ही है गाइस, तो बहुत जल्द आएगा। इस वीक तो कम से कम 2-3 वीडियोस पक गया, क्योंकि एडिट पक गया करेगी। और डांडिया के भी जोरों शोरों से तैयारी चल रही है, यहाँ पे पूरी डांडिया टीचिंग क्लास मतलब हो रहा है कि हाँ, जिन बच्चों को डांडिया नहीं आता है उनको सिखाया जा रहा है, बहुत सारा कॉम्पिटिशन भी हो रहा है, जोड़ी पता नहीं क्या क्या हो रहा है। हम लोग शायद लास्ट डे जाएंगे जिस दिन एक्चुअल डांडिया खेला जाता है हमारे कॉलेज में, अभी तो प्रैक्टिस सब घुस के डांस करने लग जाते हैं, मतलब डांडिया के उसमें डांडिया वाले गाने कम बजते हैं, बट मजा आता है उस दिन भी ना, एक अलग ही एक उत्साह होता है और डांस करने में। डांडिया वाला वीडियो हमारा जो था लास्ट ईयर, वो ही सबसे ज्यादा हिट हुआ था, 1K क्रॉस करा था, तो हमारा पहला वीडियो था ऐसा। सो आई विश कि इस साल भी ऐसा वीडियो हम बनाए और वो काफी अच्छा जाए। सो हम लोग सोच रहे थे कि एक ब्रेक लेने का प्रोजेक्ट से, और हमारे जो दूसरे प्रोजेक्ट मेट है उनको थोड़ा काम देने का, बट अभी तक कोई आया नहीं है, तो हम लोगों को जाकर अभी प्रोटोकॉल का प्रिंट आउट निकालना है, प्रोटोकॉल देखना है, उसके अलग अलग फाइल्स बनानी है अलग अलग पेशेंट्स की, जैसे कि हमारा जो क्राइटेरिया वो है 60 पेशेंट्स को लेने का, तो हमें 60 अलग अलग फाइल बनानी, क्योंकि हर एक फॉलोअप पे हम अपडेट करेंगे, तो हमारा कहीं मिक्स मैच ना हो जाए, हम ही खुद कंफ्यूज हो गए तो डाटा तो कंफ्यूज हो ही जाएगा, तो डाटा कलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम ये गाना गाएंगे कंफ्यूजन सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन तो पता ही नहीं, तो डाटा कलेक्शन के टाइम पे अपना दिमाग और अपनी फाइलें दोनों को क्लियर रखो, संभाल के रखो। दिमाग कैसे संभाल रखेंगे, दिमाग तो यही रहता है ना। सो गाइस एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि रिसर्च का काम बहुत ज्यादा ही टाइम कंज्यूमिंग और दिमाग लगाने वाला काम होता है, और इसके लिए आपको ना फ्री माइंड चाहिए, मतलब अगर आपकी लाइफ में कोई भी दिक्कत है ना, तो वो दिक्कत साफ साफ जाहिर होगी आपके काम में भी, तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो अपना दिमाग, अपने आप को शांत रखना है। क्यों क्या उसके बिना तो रिसर्च में मतलब आप एक भी चीज आगे नहीं बढ़ सकते हो अगर आपका दिमाग शांत नहीं है तो। और अभी हम लोग पैकअप कर रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं क्योंकि हम लोगों का व्रत है, कुछ खाया नहीं है, तो हम सोच रहे हैं कि आज हाफ डे में लिक्विड डाइट लेते हैं जिससे कि यू नो थोड़ा सा अच्छा लगेगा हमको भी। और 2 दिन और रह गए हैं, और एक दिन और रह गया है, और जब भी हम आजकल इंस्टा और यूट्यूब में स्क्रोल अप करते हैं ना शॉर्ट्स में, या फिर खाना ही खाना, मतलब कि ये भगवान ने मेरी परीक्षा ले रहे हैं, चेक कर रहे हैं मेरे को कि देखता हूँ कब तक तू अपने आप को रोक पाता है। तो इसके बाद हम लोग मस्त खाना खाएंगे, पूरी आलू सपने सुहाने। उसके बाद फिर हम बात करेंगे क्या क्या हुआ। तो गाइस जो मीटिंग होने वाली थी अभी हमारे कॉलेज में वो नहीं हो पाई बिकॉज ऑफ क्विज, क्योंकि उस दिन फार्मेसी डे के दिन क्विज कंपटीशन वगैरह होने वाला था, वो नहीं हो पाया, तो आज शेड्यूल कर दिया गया है। आई थिंक जो आज मीटिंग होने वाली है वो किसी और दिन शेड्यूल हो जाएगा, तो अभी तो हम जा रहे हैं रूम। और आज का दिन हमारा बहुत अच्छा था, एंडो में हमारा आज ऑफिशियली 3rd डे था, लेकिन हमारे लिए 1st डे था वो, और हमें बहुत सारा मतलब आज 1st डे था तो हमने धीरे धीरे करके सीखा, तो हमें 3 केसेस मिले, एक थायराइड का था, हाइपरथायराइड का हमारा जिससे केस रिसर्च रिलेटेड है, दूसरा डेंगू और मलेरिया मिला। और जनरल मेडिसिन के सबसे अच्छी बात यह है कि
अबे केस खूब सारे होते हैं और केस के साथ साथ मेडिसिन खूब सारी होती हैं, मतलब भरी पड़ी होती हैं। हाँ, तो हमको तो चीजें फाइंड आउट करने में भी इजी होता है बहुत ज्यादा कि जैसे कि एंटीबायोटिक होता है उसका एक ड्यूरेशन होता है, कोर्स होता है कि 3 डे 5 डे 7 डे, तो आप उसमें देख सकते हो कोई पेशेंट 15 डेज से है तो उसको ऐसा तो नहीं हर रोज वो एंटीबायोटिक्स ले रहा हो, क्योंकि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस भी हो जाता है। तो ऐसी चीजें होती हैं जो आपको नोटिस जब आप करते हो, जब आपके पास बहुत सारे चीजें होती हैं, मेडिसिन दी जा रही होती हैं, और ड्रग इंटरेक्शन भी बहुत मिलता है इसमें, क्योंकि पेशेंट को बहुत सारे कोमोर्बिडिटीज साथ में कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। जैसे आज एक पेशेंट था, पेशेंट जो हाइपरथायराइड का था, हाँ, उसको थायराइड की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, उसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस था, उसको क्या कहते हैं उसको हाइपरयूरेमिया था, उसको क्या था उसको निमोनिया भी था उसे, इसलिए उसको हाइपर उसको वो दे रहे थे क्लोरोक्वीन। अब पेशेंट मतलब बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं एक डिजीज की वजह से, जिसकी वजह से आपको और भी साथ में दवाइयां चलानी पड़ती हैं, और उस दवाई का प्रॉब्लम ये रहता है कि वो फिर ड्रग इंटरेक्शन कॉज करते हैं, और वहां पे आपको पेशेंट को मॉनिटर करना आता है क्लिनिकल फार्मासिस्ट का, जो हमारा काम है कि फटाफट आपको पेशेंट को मॉनिटर करना पड़ता है, वाइटल्स चेक करने पड़ते हैं हमेशा। हाँ, जैसे डेंगू वाला पेशेंट है उसके तो आपको रोज चेक करने पड़ेंगे वाइटल्स कि उसका ब्लड प्लेटलेट काउंट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, तो ये सब चीजें जरूरी होती हैं बहुत ज्यादा। सो आज के लिए बस इतना ही, एंड आई होप यू गाइज एंजॉय दिस व्लॉग, एंड इफ यू लाइक इट डू सब्सक्राइब एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स फैमिली। बाय।